हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही है दुबई या यूएई में काम करने वालों के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते हैं, किसी को सैलरी नहीं मिलती है, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है, किसी का कंपनी वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है। तो कंपनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको लेके मोहरी ने एक बहुत बढ़िया अपडेट कर रखा है। क्या है अपडेट मैं आपको बताती हूँ कि उनका जो टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर जो है अब काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं 24x7, यानी कि सातों दिन 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं उनको। उनका जो कॉल सेंटर है वो 24 घंटे सातों दिन इवन दो छुट्टी के दिन भी ओपन रहेगा। किसी भी लैंग्वेज में आप लोग इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शंस हैं। अदर नेशनलिटीज़ के भी जो लैंग्वेज होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। जितने भी अधिकतर मैक्सिमम यहाँ पे नेशनलिटीज़ रहती हैं सारे लोगों के लिए उन्होंने लैंग्वेज अवेलेबल करवाए हैं। उससे भी बढ़िया अपडेट ये है कि अब जो आप कॉल करेंगे, पहले क्या होता था कि मैन्युअली आपके कंप्लेन को दर्ज की जाती थी, लेकिन अब जो है ऑटोमेटिकली आपके जो कंप्लेन होंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा और साथ में टाइप भी हो जाएगा। यानी कि आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा पूरा और टाइप भी होगा, ऐसे आपकी कंप्लेन वहाँ पर ली जाएगी। जो नंबर है मैं आपको बता देती हूँ, नंबर जो है वो है 04665999। ठीक है, ये आपको करना है। यूएई जो सिटीजन से उनके लिए नंबर है, लेकिन ये जो एक्सपैट्स है जितने भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, जितने लोग भी यहाँ पर रहते हैं अदर देन यूएई सिटीजन्स, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और अपडेट ये आई है कि आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर, एमिरेट्स आईडी नंबर, आपका लेबर वीज़ा कार्ड नंबर या फिर आपकी कंपनी का जो नंबर है या कंपनी का नाम है, कंपनी का लोकेशन है, आपको कितने दिन की सैलरी नहीं आई है, मिनिमम अगर 2 महीने की सैलरी नहीं आई है तो आप लोग कंप्लेन करवा सकते हैं। 1 महीने की नहीं, एटलीस्ट 2 महीने की सैलरी नहीं आई हुई होती है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। छुट्टी की बात है तो अगर एज पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वैसा छुट्टी आपको नहीं मिल रहा है तो आप करवा सकते हैं। वीज़ा कैंसिल नहीं हो रहा है तो भी आप इसमें कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट बैक किया जाएगा कि आपका क्या प्रोसीजर है। इस बीच कंपनी का नाम सही से बोलिए क्योंकि इस बीच वो लोग कंपनी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया अपडेट है, डायरेक्ट वो लोग कंपनी को कॉन्टैक्ट करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या है, और आपको 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस आएगा। ठीक है, आप रिटर्न में भी दे सकते हैं। रिटर्न देने के लिए क्या है, आपको किसी टाइपिंग सेंटर पे जाना होगा, वहाँ से फॉर्मल लेटर लिखाना होगा, उसको आप जमा दे सकते हैं। उसमें अपनी ईमेल आईडी वगैरह मेंशन कीजिए ताकि वो लोग जो भी हैं आगे का क्या प्रोसीजर होगा, क्या हुआ, वो सारे आपको ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सके। फ़ोन नंबर, एमिरेट्स आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, कंपनी का नाम और आपकी क्या प्रॉब्लम है ये एकदम करेक्टली मेंशन कीजिए ताकि वो लोग इसको सही से सॉल्व आउट कर सके। मोहरी ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल सेंटर में भी आप लोग फ़ोन करके कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये अपडेट है, जिनको भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो लोग ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।